एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है। और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी। और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31st मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी। और इसका बजट $125 मिलियन रहा। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को, जो कि बिग फैट बॉस बेबी है, उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबी टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड, जो कि टीवी चीफ है, उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड धीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी, इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी के स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी, जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम, जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी
टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलो के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नायरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज अ एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स,
चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूज़िक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी, इस मूवी की म्यूज़िक स्कोर दिए हैं हैंस ज़िमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है। अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी, जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डाइपर के लिए रोता है। हालांकि टीम, जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसे टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है, जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2017 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन।
तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं और जेम्स रैन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं और एडी मैरिमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूज़िक के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूज़िक स्कोर दिए हैं हैंस ज़िमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है। पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है लेकिन उसे बेबी और उसके साथी द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहाँ से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है जहाँ उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना क्या वह असफल रहा। इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने
के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज अ एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन इसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से
टीप को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनिश्चित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है। जहां से बच्चे आते हैं, अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलो के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है। और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लिसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क एनिमेशन। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी। और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और टॉबी मैगुरे एज अ एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं और नीना जोई बक्सी एज अ टैबी टेम्पलटन वॉइस दिए हैं और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं और वर्ल्ड धीरन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं और एडी मैरिमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर।
तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है। अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलो के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नायरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और यह मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ
वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बेल्डविन और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं और वॉल्ट हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं और एडी मैरिमन एज अ बिग एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की म्यूज़िक के बारे में। तो फ्रेंड्स द बॉस मूवी इस मूवी की म्यूज़िक स्कोर दिए हैं हैंस ज़िमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है। पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसे टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना क्या वह असफल रहा। इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने
के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथी द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से
टीप को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है। जहां से बच्चे आते हैं, अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलो के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2017 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज अ एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर।
तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है। अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है। पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसे टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहाँ एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहाँ से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है जहाँ उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लिसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं
वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बेल्डविन और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं और कॉनरेड वेरुना एज अ युगले युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं और जेम्स रैन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं और एक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं और एडी मैरिमन एज अ बिग एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूज़िक के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूज़िक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है। पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है और जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना क्या वह असफल रहा। इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं
और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है। और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव बुसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी। और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज हुई और 31st मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी। और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को, जो कि बिग फैट बॉस बेबी है, उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड, जो कि टीवी चीफ है, उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज अ बिग एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी, इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी, जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम, जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसे टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक
जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है। जहाँ से बच्चे आते हैं, अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलो के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, द बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है द बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, द बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स,
आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी के स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फिर टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है। अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है। पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहाँ एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है। जहाँ से बच्चे आते हैं, अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है और जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन और मिलिस बक्सी एज अ टीमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और टॉबी मैगुरे एज अ एडल्ट टीमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी
वॉइस दिए हैं और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं और जेम्स रैन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं और एडी मैरिमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की म्यूज़िक के बारे में। तो फ्रेंड्स द बॉस मूवी इस मूवी की म्यूज़िक स्कोर दिए हैं हैंस ज़िमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है। अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास समान रूप से व्यवहार करता है। पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना क्या वह असफल रहा। इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड
कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नायरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार को पास
परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है और जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलो के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नायरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स, और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज हुई और 31st मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज अ एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबी टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टोमिथी टीम टेम्पलेटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी
जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा। सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है। पूरा दिन ध्यान और भोजन और डाइपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसे टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है। एक दिन से बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है। जहाँ से बच्चे आते हैं, अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, द बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है द बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है
उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पिल्टन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वॉल्ट हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूज़िक के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस मूवी, इस मूवी की म्यूज़िक स्कोर दिए हैं हैंस ज़िमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है, जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले
फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox। और ये मूवी 12 मार्च 2017 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स द बॉस मूवी, इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टोमिथी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन इसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है जहाँ से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते
हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। वे भी यह भी बताता है कि यह वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स। और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी, जो कि मार्ले फ्रेजी की है। और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लिसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा। और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन। और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स। और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट। और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी। और इसका बजट $125 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिले तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं और कॉनरेड वेरुना एज अ यूगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं और नीना जोई बक्सी एज अ टैबी टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं और वर्ल्ड धीरन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं और एडी मैरिमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉमी थी टीम टेम्पलेटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी, जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि
टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है। देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है, जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलो के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और ये मूवी 12 मार्च 2020 को माइमा में रिलीज हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज अ एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बूसीमा एज अ फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबी टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड
जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वॉल्ट हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रैन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज अ बिग एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमी मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की म्यूज़िक के बारे में। तो फ्रेंड्स द बॉस मूवी, इस मूवी की म्यूज़िक स्कोर दिए हैं हैंस ज़िमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं द बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसे टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है, जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स द बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है द बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन,
और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेंस जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और ये मूवी 12 मार्च 2017 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लिसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलीटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रेथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रैन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और एरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरिमन एज अ बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रेथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एलविस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स टॉमी थी टीम टेम्पलटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है, देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बेबी और उसके साथी द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक कि वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है, जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है, और टेम्पलेट में आया
क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टैपलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बॉस बेबी मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस बेबी ये 2017 के अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं थॉम मैकग्रैथ और लिखे हैं माइकल मैककुलर्स, और यह मूवी बेस्ड है दी बॉस बेबी जो कि मार्ले फ्रेजी की है, और प्रोड्यूस इस मूवी को की है रैमसी एनी नाइटो। और इस मूवी के स्टारिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हम नज़र हैं एलिक बाल्डविन, लीसा कुड्रो, मिलिस बक्सी, जिमी किमेल, स्टीव ब्यूसीमा, और इस मूवी को नरेट किए हैं टॉबी मैग्यूरी, और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स रायन, और ये इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स जीमर, स्टीव मैजायरो, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और ये मूवी 12 मार्च 2017 को माइमा में रिलीज़ हुई और 31 मार्च 2017 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 97 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी, और इसका बजट $125 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काबिल तारीफ रहा $528 मिलियन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में एलिक बाल्डविन को वॉइस दिए हैं एज अ थियोडर लिंडसी एलिक बाल्डविन, और मिलिस बक्सी एज अ टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और टॉबी मैगुरे एज एडल्ट टिमोथी लेस्ली वॉइस दिए हैं, और जिमी कैमिल एज अ थियोडर लैंडसी वॉइस दिए हैं, और लीसा कुड्रो एज अ जैनिक टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और स्टीव बुसीमा एज अ फ्रांसिस ई फ्रांसिस सुपर कॉलिसल को जो कि बिग फैट बॉस बेबी है उसका वॉइस दिए हैं, और कॉनरेड वेरुना एज अ युगेना फ्रांसिस को वॉइस दिए हैं, और जेम्स मैकग्रेथ एज अ वीजी वॉइस दिए हैं, और डेविड सोरिन एज अ जिम्बो वॉइस दिए हैं, और नीना जोई बक्सी एज अ टैबिथ टेम्पलेटन वॉइस दिए हैं, और टॉम मैकग्रैथ एज अ जूलिया चाइल्ड जो कि टीवी चीफ है उसका वॉइस दिए हैं, और वर्ल्ड हीरोन एज अ फोटोग्राफर वॉइस दिए हैं, और जेम्स रायन एज अ स्टोरी बियर वॉइस दिए हैं, और आरिक बेल जूनियर एज अ ट्रिपलेट्स वॉइस दिए हैं, और विवा एन ई एज अ स्टैक टी वॉइस दिए हैं, और एडी मैरमन एज द बिग बॉस बेबी वॉइस दिए हैं, और जैमिक मैकग्रैथ एज अ जोसेफ इजो एज अ एल्विस इम्प्रेस्टर वॉइस दिए हैं, और कैरिस मिलर एज अ कैप्टन रोसा वॉइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की म्यूजिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दी बॉस मूवी इस मूवी की म्यूजिक स्कोर दिए हैं हैंस जिमर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं दी बॉस बेबी मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस मूवी के स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉमी थी टीम टेम्पलेटन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का है, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, और जब एक नया बच्चा भाई आता है तो वह भयभीत हो जाता है। बेबी जिसे उसने एक टैक्सी में आते देखा, सूट और टाई पहने और एक ब्रीफकेस ले जाकर वयस्कों के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार करता है, पूरा दिन ध्यान और भोजन और डायपर के लिए रोता है। हालांकि टीम जो तेजी से ईर्ष्या कर रहा है देखता है कि जब भी टीम के माता पिता नहीं देख रहे होते तो बेबी एक वयस्क की तरह व्यवहार और बात कर रहा है। एक दिन बेबी एक पड़ोस खेलने की तारीख की आड़ में अन्य बच्चों और शिशुओं के साथ एक स्टाफ मीटिंग
आयोजित करता है। टीम उन्हें कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है। एक उसे बेबी और उसके साथियों द्वारा देखा और पीछा किया जाता है। माता पिता इसे यार्ड में खेल रहे बच्चे के रूप में देखते हैं। जब बेबी टीम के पसंदीदा खिलौने में से एक को नष्ट कर देता है तो टीम उसे एक खिड़की से बाहर गुल्लेल मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और वह गलती से टीम को गली में मार देता है, जहां एक कार उसे तोड़ देता है। टीम को एक अनियोजित काल के लिए तब तक जमींदोज कर दिया जाता है जब तक वह और बेबी के साथ रहना नहीं सीख जाता है। बाद में बेबी टीम को एक विशेष शांत करने वाला चूसता है जो उन्हें बेबी कॉर्प को देखने की अनुमति देता है, जहां से बच्चे आते हैं। अधिकांश बच्चे परिवार के पास जाते हैं, लेकिन गुदगुदी के प्रति अंतरदायी लोगों के प्रबंधन के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें एक विशेष शिशु फॉर्मूला दिया जाता है जो उन्हें हमेशा के लिए युवा रहते हुए वयस्कों के रूप में सोचने और व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। बेबी यह भी बताता है कि वह यहाँ पता लगाने के लिए एक विशेष मिशन पर है कि क्यों हाल ही में पीलों के प्यार से दुनिया के बच्चे के प्यार को खतरा हो रही है। और टेम्पलेट में आया क्योंकि टीम के माता पिता पीला कंपनी के लिए काम करते हैं। एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह चला जाएगा। हालांकि लड़कों ने बेबी के वरिष्ठ उसे गोली मारने की धमकी देते हुए सुना, क्या वह असफल रहा? इसका मतलब यह होगा कि बेबी को टेम्पलेटन के साथ रहना होगा और बड़ा होना होगा। टीम और बेबी ऐसा होने से रोकने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें।